And last class we were seeing about the types of inheritance. Last class में हमने पब्लिक इनहेरिटेंस पढ़ा था, ठीक है। इनहेरिटेंस करते समय जब आप किसी क्लास से डिराइव करते हो एक दूसरी क्लास को, तो आप डिराइव करते समय या तो पब्लिकली डिराइव कर सकते हो या प्रोटेक्टेडली या फिर प्राइवेटली। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हाउ टू डिराइव अ क्लास पब्लिकली फ्रॉम अ अनदर क्लास, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो एक बी क्लास ही, इसे हमने डी क्लास को डिराइव किया था। नाउ द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर नेवर इनहेरिटेड इन द डिराइव क्लास। द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिराइव ऑफ द बेस क्लास आर एक्सेसिबल इन द डिराइव क्लास ऑल्सो, एंड द पब्लिक मेंबर्स आर ऑल्सो एक्सेसिबल इन द डिराइव क्लास। ओके, क्योंकि पब्लिक मेंबर्स हर जगह से एक्सेसिबल होते हैं, तो वो डिराइव क्लास से भी एक्सेसिबल होते हैं। अब यहाँ पे जो पब्लिक पब्लिकली हमने डिराइव किया था बी क्लास से दिस वॉज योर बी क्लास, और बी क्लास से हमने डी क्लास को डिराइव किया था। तो एज आई टोल्ड यू, जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, प्राइवेट मेंबर्स डू नॉट पास ऑन टू द डिराइव क्लास। प्रोटेक्टेड मेंबर्स एंड पब्लिक मेंबर्स मूव एज इट इज टू द डिराइव क्लास। मीन्स क्योंकि से यहाँ पे पब्लिकली पब्लिक डेरिवेशन है, डेरिवेशन टाइप इज पब्लिक, तो बेस क्लास का जो मेंबर जैसा है एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट, इट इज मूव्ड एज इट इज टू द डिराइव क्लास, ठीक है। तो बी क्लास में जो भी मेंबर्स प्रोटेक्टेड थे, दे विल बी अवेलेबल इन द डिराइव क्लास एज प्रोटेक्टेड, एंड पब्लिक मेंबर्स विल बी अवेलेबल एज पब्लिक। सो दिस वॉज द से यूज ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस। नाउ टुडे वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। अब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में क्या होता है, सपोज अगर आपका ये बी क्लास है, वी टेक द सेम एग्जांपल, दिस इज योर बी क्लास एंड दिस इज योर डी क्लास, ठीक है। इसमें एक मेंबर है प्राइवेट, देन प्रोटेक्टेड में है आपका वाई मेंबर, एंड पब्लिक में आपके फंक्शंस हैं दो, गेट डेटा एंड शो डेटा। तो पब्लिक में दो फंक्शंस हैं, गेट डेटा और शो डेटा। सो दिस इज द बेस क्लास। ओके, बेस क्लास में आपके ये डेटा में एक्स इज प्राइवेट, वाई इज प्रोटेक्टेड, एंड गेट डेटा एंड शो डेटा आर इन पब्लिक सेक्शन, ठीक है। अब क्लास डी हमने डिराइव की है, दिस टाइम वी हैव टेकन द डेरिवेशन टाइप एज प्रोटेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे जो टाइप है वो हमने कैसा लिया है, प्रोटेक्टेड, मतलब कि थोड़ा सा हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। जब यहाँ पे पब्लिक कंस्ट्रेंट था या पब्लिक पब्लिकली हमने कोई क्लास डिराइव की थी, तो बेस क्लास में जो चीज जैसी थी वो एज इट इज बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के डिराइव क्लास को जाती थी। बट व्हेन यू पुट अ रेस्ट्रिक्शन एज प्रोटेक्टेड, मतलब जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास को प्रोटेक्टेडली डिराइव करते हो, तो क्या होता है, अगेन प्राइवेट मेंबर्स विल नेवर मूव टू द डिराइव क्लास, दे आर नॉट एक्सेसिबल इन द डिराइव क्लास बाय एनी वे, चाहे आप पब्लिक इनहेरिटेंस ले लो, चाहे प्रोटेक्टेड ले लो या प्राइवेट ले लो। सो दे आर नॉट अवेलेबल इन द डिराइव क्लास इन एनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक्स तो कभी भी यहाँ डी क्लास में अवेलेबल होगा ही नहीं। नाउ व्हाट अबाउट द प्रोटेक्टेड मेंबर दैट वाज देयर, वाई मेंबर जो कि प्रोटेक्टेड था बेस क्लास में, तो वो डिराइव्ड क्लास में आने के बाद भी प्रोटेक्टेड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सब प्रोटेक्टेड से कम तो होगा नहीं, इट विल रिमेन प्रोटेक्टेड। बट जो ये पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं, गेट डेटा एंड शो डेटा, ये भी यहाँ पे आकर के प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्टेड फंक्शंस बन जाएंगे, मींस द गेट डेटा फंक्शन एंड द शो डेटा फंक्शन विल नाउ इन द डिराइव क्लास दे विल बी इन द प्रोटेक्टेड सेक्शन, मतलब वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे इन द डिराइव क्लास, ठीक है, क्योंकि इसे हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगाया, तो जो चीजें बेस क्लास में पब्लिक थी वो भी डिराइव क्लास में आकर के प्रोटेक्टेड हो गई, ठीक है। तो इससे होगा क्या, फायदा क्या है कि अब अगर डी क्लास से हम कोई और क्लास डिराइव करते हैं तो ये फंक्शंस प्रोटेक्टेड हो गए, एंड सो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हर एक के पास ये फंक्शन कभी भी एक्सेसिबल होगा, सो इट्स नॉट दैट द फंक्शन विल बी एक्सेसिबल टू एनीवन। यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड हो गया, तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स की खासियत क्या होती है कि वो अपनी क्लास में और अपने से डिराइव्ड क्लास में ही एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, साथ में यू कैन ऑलवेज एड मेंबर्स टू अ फंक्शन टू अ क्लास, तो यहाँ पे हमने दो मेंबर्स ऐड किए हैं, एक तो प्राइवेट मेंबर ऐड किया है int z और एक पब्लिक फंक्शन ऐड किया है get z, ठीक है। तो ये क्या है, एडेड मेंबर्स इन डी क्लास, मतलब डी क्लास में नए मेंबर्स, न्यू एडेड मेंबर्स इन डी क्लास, ठीक है। और ये सारे मेंबर्स क्या हैं, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम बी क्लास, मींस ये जो ऊपर हमने फंक्शन जो डेटा मेंबर्स और फंक्शंस मेंशन किए हैं दे ऑल आर इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास बी, और ये जो दो चीजें हैं एक तो इंट जेड, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल जेड और एक मेथड गेट जेड, these two members are added new in the class D, ठीक है। Now अब इसको हमने implement करा है, तो class यहाँ पे ये class B declare हो गई, यहाँ पे class D define हो गई, it has been derived protectedly from class B and these are the two members that are added to the new class B, ठीक है, बल्कि तीन, एक शो जेड भी है, सो एट दिस ऑल्सो। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया है, गेट डेटा में एक्स और वाई, गेट डेटा किसका फंक्शन था, गेट डेटा वॉज अ फंक्शन ऑफ बी क्लास, और बी क्लास में कौन कौन से डेटा मेंबर्स थे, एक्स एंड वाई, तो गेट डेटा क्या करेगा, इट विल इनपुट द इनपुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। सिमिलरली शो डेटा फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट the value of x and y, जो क्योंकि से show data भी base class का member function है, तो वो base class के data members को display कर देगा। Now get z is the member function of your derived class, it will input the value of z, ठीक है, और show z will display the value of z। तो ये तो चारों फंक्शंस की डेफिनेशन हो गई, गेट डेटा, शो डेटा, गेट जेड एंड शो जेड। अब मेन में हमने क्या किया, मेन में डी क्लास का यानी कि डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डी वन, स्क्रीन क्लियर करी डी वन डॉट गेट जेड एंड डी वन डॉट शो जेड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सिंस आई हैव जस्ट कॉल्ड गेट जेड, अब गेट जेड फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, it will enter the value of z and show z will display the value of z. Now if I try to write d1 dot, if I write d1 dot and say get data, will it run here, kya ye chalega yahan pe, get data aur d1 dot show data agar hum likhte hain to ye kya yahan pe run karenge, these lines will not run, just try and run them, आप रन करके देखना गेट डेटा और शो डेटा फंक्शंस को यहाँ पे रन करके देखना D1 ऑब्जेक्ट की मदद से, इन दोनों लाइंस पे एरर आएगी। नाउ व्हाई द एरर विल कम, बिकॉज गेट डेटा एंड शो डेटा डी क्लास, डी वन ऑब्जेक्ट किसका है, डी क्लास का, और डी क्लास में आने के बाद गेट डेटा कैसा हो गया है, इट हैज बिकम प्रोटेक्टेड इन नेचर, ठीक है, मतलब वो किस सेक्शन में आ गया, बेस क्लास में इट वॉज डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन, बट
डिराइव होने के बाद डी क्लास में इट हैज बिकम इट हैज कम इन द प्रोटेक्टेड सेक्शन. और प्रोटेक्टेड सेक्शन में जो भी मेंबर्स होते हैं दे आर एक्सेसिबल ईदर विद इन देयर ओन क्लास और इन द डिराइव क्लास, पर बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते. तो ये दो फंक्शंस मेन से एक्सेस नहीं हो सकते बिकॉज मेन इज समथिंग आउटसाइड द क्लास. मेन जो है वो क्लास के बाहर आता है, ना तो वो डिराइव क्लास है ना कोई और दूसरी क्लास है. सो दीज टू फंक्शंस विल नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम योर मेन फंक्शन. अब अगर हमें गेट डेटा और शो डेटा को कॉल करना होता, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू को इनपुट तो करा ही नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू को शो करा पा रहे हैं. क्यों नहीं करा पा रहे हैं? बिकॉज बोथ दीज फंक्शंस हैव बिकम फंक्शंस आर प्रोटेक्टेड इन डी क्लास. डी क्लास में आने के बाद ये दोनों फंक्शंस प्रोटेक्टेड हो गए. और प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस अपनी क्लास या अपने से डिराइव्ड क्लासेस में ही एक्सेस हो सकते, मेन फंक्शन से कॉल नहीं हो सकते. अब अगर हमें इन दोनों फंक्शंस को कॉल कराना है तो व्हाट कैन वी डू? वी हैव एन ऑप्शन. हम क्या करेंगे यहाँ पे? आई कैन ऑलवेज राइट गेट डेटा. गेट डेटा फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर लेंगे, दिस इज पॉसिबल. एंड सिमिलरली यहाँ पे शो डेटा फंक्शन को कॉल कर लेंगे फंक्शन के अंदर से. फंक्शन के अंदर से आप एक क्लास के अंदर से दूसरे क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हो बिकॉज गेट डेटा फंक्शन इज प्रोटेक्टेड इन नेचर और वो क्लास के अंदर से तो एक्सेस हो जाएगा पर क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा. सो वन वे ऑफ कॉलिंग द शो डेटा एंड गेट डेटा फंक्शन इज कि हम गेट जेड फंक्शन के अंदर पहले गेट डेटा फंक्शन कॉल कर ले. ये हमसे एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट करा लेगा, उसके बाद हम जेड की वैल्यू को इनपुट करा लेंगे. सिमिलरली शो डेटा फंक्शन विल आउटपुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड विल बी डिस्प्लेड बाय दिस पर्टिकुलर लाइन. तो ये हम कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल. यहाँ जैसे मैंने आपको करके दिखाया था डी वन डॉट गेट डेटा एंड डी वन डॉट शो डेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर. आप इसको रन करके जरूर देखना बट इन दोनों लाइंस पे एरर आएगा. एरर इसलिए आएगा क्योंकि इसे हमने जो इनहेरिटेंस का टाइप लिया है वो क्या लिया है? प्रोटेक्टेड. तो जो भी हमारे पब्लिक फंक्शंस थे बेस क्लास में गेट डेटा एंड शो डेटा, वो डी क्लास में आने के बाद दे बिकम प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड फंक्शंस आर एक्सेसिबल विद इन देयर ओन क्लास और फ्रॉम डिराइव क्लास, नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स. मेन से तो बिल्कुल नहीं एक्सेस हो पाएंगे. मेन से कॉल करते समय प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स बिहेव द सेम बिकॉज मेन इज आउटसाइड द क्लास, इट इज नो क्लास. मेन एक फंक्शन है जो किसी भी क्लास के अंदर लाए नहीं करता है. ठीक है, नाउ ये मैंने आपको करके दिखाया था, वो आप देख सकते हो. यहाँ पे इफ यू सी द डी क्लास, यहाँ पे प्राइवेट डेटा मेंबर क्या है? जेड. प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स में कौन कौन से हैं? वाई. वाई कहाँ से आया है? वाई गेट डेटा एंड शो डेटा, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम बी क्लास. दिस इज डीज ओन डेटा मेंबर. डी में जो नया डेटा मेंबर एड हुआ है ये उसका अपना डेटा मेंबर है, कहीं से इसको इनहेरिट नहीं हुआ है. सिमिलरली पब्लिक मेंबर फंक्शन में ये डीज ओन मेंबर फंक्शंस, इनको हमने पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किया था, तो दे आर इन द पब्लिक सेक्शन. वाई वॉज ऑलरेडी इन प्रोटेक्टेड सेक्शन, सो वाई प्रोटेक्टेड में ही रहेगा. लेकिन गेट डेटा और शो डेटा बेस क्लास में दे वेयर इन द पब्लिक सेक्शन, लेकिन सिंस वी इम्प्लीमेंटेड पब्लिक प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, तो डिराइव क्लास में आने के बाद ये दोनों फंक्शंस का स्कोप भी लिमिटेड हो जाएगा एंड इट विल बी लिमिटेड टू प्रोटेक्टेड मेंबर. ठीक है, सो दिस वॉज प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस. नाउ इसी पैटर्न पे यू हैव द थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज प्राइवेट इनहेरिटेंस.
प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब आप क्लास को डिराइव करते हो तो जो डेरिवेशन का टाइप है दैट इज प्राइवेट। इसमें क्या होता है, बेस क्लास में सपोज ये है, बेस क्लास में कुछ मेंबर्स से प्राइवेट हैं, कुछ प्रोटेक्टेड हैं एंड कुछ से पब्लिक है। आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल से इंट एक्स, एक एग्जाम्पल है वाई एंड इंट जेड, ठीक है, और ये हमने प्राइवेटली डिराइव किया है बी क्लास से डी क्लास। नाउ वी वॉन्ट टू सी वॉट ऑल विल कम इन द डिराइव क्लास बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सो दिस मेंबर विल नॉट कम बिकॉज इट इज प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट मूव आउट ऑफ देयर क्लास, दे आर स्टक टू देयर ओन क्लास। ओके, नाउ प्रोटेक्टेड एंड जो पब्लिक मेंबर पब्लिक फंक्शंस है, डेटा हैं, दोनों ही यहाँ आने के बाद दे विल बिकम प्राइवेट। प्राइवेट में इंट वाई एंड इंट जेड बोथ विल कम इन द प्राइवेट सेक्शन आफ्टर कमिंग इन द डी क्लास। यहाँ पे वाई क्या था, वाई वॉज प्रोटेक्टेड एंड जेड वॉज पब्लिक, लेकिन हमने इनहेरिटेंस का जो डेरिवेशन टाइप लिया वो क्या लिया, प्राइवेट। तो बेस क्लास की जो भी चीजें इनहेरिट हो रही हैं, ऑल ऑल थिंग्स दैट इज डेटा एंड मेंबर्स मेंबर फंक्शंस इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास बिकम्स प्राइवेट इन द डिराइव्ड क्लास। मीन्स की बेस क्लास में जो भी डेटा मेंबर्स थे, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो, क्योंकि से हमारा इनहेरिटेंस का जो टाइप है प्राइवेट है, तो डिराइव क्लास में आने के बाद वो सारे मेंबर्स प्राइवेट हो जाएंगे। सो इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या है, अब आगे अगर बी क्लास से कोई फर्दर क्लासेस डिराइव होती हैं तो दे इट विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दीज वाई एंड जेड मेंबर्स विच हैव बीन एक्सेस फ्रॉम द बी क्लास। तो मीन्स जो चीज मेरे को कहीं से इनहेरिट हुई है मैं किसी और को पास ऑन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज द डेरिवेशन टाइप हैज बीन पुट एज प्राइवेट। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है, अगर आप चाहते हो कि डिराइव क्लास आपके क्लास में जो भी डिफाइंड मेंबर्स हैं उनको यूज तो कर सके, लेकिन आगे वो किसी और को पास ऑन ना हो सके, वो डेटा मेंबर्स उनकी प्राइवेसी या सिक्योरिटी मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो इनहेरिटेंस का डेरिवेशन टाइप है यू विल कीप इट एज प्राइवेट, सो दैट ऑल मेंबर्स दैट वेयर पब्लिक और प्रोटेक्टेड इन द बेस क्लास आफ्टर बीइंग इनहेरिटेड इन द डिराइव क्लास दे विल बिकम प्राइवेट इन नेचर एंड प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी फर्दर से पास्ड ऑन टू अदर क्लासेस व्हेनेवर अनदर क्लासेस आर डिराइव फ्रॉम दिस न्यू क्लास डी। ठीक है, सो दिस इज प्राइवेट इनहेरिटेंस। ओके, नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्स इज डिफाइंड एज प्राइवेट, वाई एज प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक में एक फंक्शन है गेट डेटा। गेट डेटा में हमने एक्स और वाई की वैल्यू को इनपुट कराया है और शो डेटा में एक्स और वाई की वैल्यू को डिस्प्ले कराया है। नाउ क्लास डी को हमने प्राइवेटली डिराइव किया है फ्रॉम क्लास बी एंड उसके अंदर एक नया डेटा मेंबर डिफाइन किया जेड एंड एक पब्लिक फंक्शन डिफाइन किया असाइन, जो जेड को वैल्यू असाइन कर रहा है 30 एंड वाई को असाइन कर रहा है वैल्यू 40। देन आउटपुट फंक्शन में आप एफ कैलकुलेट कर रहे हो वाई प्लस जेड एंड देन यू आर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ एफ। ओके, अब यहाँ पे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया d1 और d1.assign फंक्शन कॉल हुआ। ये असाइन फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, एक्स में जेड में वैल्यू 30 और वाई में वैल्यू 40 असाइन कर देगा। ठीक है, एंड d1.output क्या करेगा, वाई और जेड की वैल्यूज को ऐड करके उनको डिस्प्ले करा देगा। सो दिस विल दिस इज द प्रोग्राम।
नाउ यहाँ पे आपका ये देखोगे एक्स विल नॉट बी नॉट एक्सेसिबल इन बी क्लास, वाई विल बिकम प्राइवेट इन डी क्लास, गेट डेटा विल ऑल्सो बिकम प्राइवेट इन डी क्लास एंड शो डेटा विल ऑल्सो बिकम प्राइवेट इन डी क्लास. ठीक है, तो मीन्स जेड को और वाई को आप असाइन कर सकते हो वैल्यू, बट एक्स इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज एक्स तो बेस क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर है एंड इट इज नॉट इनहेरिटेड बाय द डी क्लास इन एनी सेंस. ठीक है, y इनहेरिट होगा, लेकिन y इनहेरिट होने के बाद कैसा हो जाएगा, प्राइवेट इन नेचर. एंड z ऑफ कोर्स z पहले से ही प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर्ड था, तो वो भी प्राइवेट है. f एक टेम्पररी वेरिएबल लिया आपने और f की वैल्यू y प्लस z करा दी एंड देन यू आर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ f. नाउ व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम यू कैन सी द आउटपुट, आपका जो भी आउटपुट आएगा यहाँ पे वैल्यू आपकी डिस्प्ले होकर के आ जाएगी, y एंड z की जो भी वैल्यू है दैट विल बी डिस्प्लेड. नाउ इन दिस अबव प्रोग्राम इन मेन वी कैन नॉट राइट दीज टू फंक्शंस, हम ये दो लाइंस नहीं लिख सकते हैं. ट्राई आउट, आप लिख के देखो, रन करके देखो, बट ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज गेट डेटा एंड शो डेटा फंक्शन आफ्टर कमिंग द डी क्लास दे विल बिकम प्राइवेट फंक्शंस, प्राइवेट फंक्शंस बन जाएंगे और प्राइवेट फंक्शंस कैन बी कॉल्ड विद इन द क्लास बट दे कैन नॉट बी कॉल्ड आउटसाइड द क्लास. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइवेट मेंबर्स में क्या क्या है, z इज द न्यूली एडेड, ये z इज d's ओन डेटा मेंबर, ये तीन इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास b और ये यहाँ आने के बाद क्या बन गए, प्राइवेट. एंड पब्लिक में ये डी डी के ओन फंक्शंस है. ठीक है, सो दिस इज प्राइवेट इनहेरिटेंस. ठीक है, नाउ यहाँ पे टेबल में ये जो भी हमने तीनों तरह के इनहेरिटेंस पढ़े हैं उसको यहाँ पे जस्ट एक टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है. डेरिवेशन टाइप यहाँ दिया है पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. बेस क्लास में जो मेंबर पब्लिक है, तो इफ द डेरिवेशन टाइप इज पब्लिक इट विल रिमेन पब्लिक, इफ इट इज प्रोटेक्टेड इट विल रिमेन प्रोटेक्टेड, प्राइवेट इज नॉट एक्सेसिबल. तो प्राइवेट मेंबर्स तो कभी भी एक्सेसिबल होते ही नहीं है ड्राइव क्लास में. तो आप तीनों केसेस में यू कैन किसी भी टाइप का इनहेरिटेंस हो पब्लिक प्रोटेक्टेड या प्राइवेट, तीनों ही केस में प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर नॉट एक्सेसिबल इन द डिराइव क्लास. तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. लेकिन हाँ, अगर डेरिवेशन टाइप आपका पब्लिक है तो बेस क्लास में मेंबर जिस सेक्शन को बिलोंग करता है, इफ इट इज द इन द पब्लिक सेक्शन, डिराइव क्लास में आने के बाद भी वो पब्लिक ही रहेगा, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर विल रिमेन प्रोटेक्टेड इन द डिराइव क्लास. ठीक है, बट इफ द डेरिवेशन टाइप इज प्रोटेक्टेड then what will happen, public members will become protected and protected will remain protected. And finally private inheritance mein kya hoga, public will become private and protected will also become private. theek hai, to limit karte ja rahe ho aap public, jab aap publicly derive kar rahe ho ek class se dusri class pe, you are putting no constraint, you are putting no restriction. जो चीज बेस क्लास में जैसी है वो वैसे की वैसे मूव हो जाएगी डिराइव क्लास विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. ओके, एक्सेप्ट फॉर द प्राइवेट डेटा मेंबर्स, वो तो किसी भी हाल में आपके डिराइव क्लास में एक्सेसिबल नहीं होते हैं. अगर आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में यू आर पुटिंग अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन कि जो क्लास में आने के बाद अब उसका स्कोप विल बी लिमिटेड टू प्रोटेक्टेड एंड जो चीज प्रोटेक्टेड पहले से ही थी वो प्रोटेक्टेड ही रहेगी. सो यू आर पुटिंग अ काइंड ऑफ अ
रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वाइल इनहेरिटिंग द मेंबर्स ऑफ अ बेस, ठीक है, सो वॉट एवर वॉज देयर इन द बेस क्लास, वेदर इट वॉज पब्लिक और वेदर इट वॉज प्रोटेक्टेड, डेराइव क्लास में आने के बाद इट विल बी रिड्यूस्ड, उसका जो स्कोप है इट विल बी रिड्यूस्ड टू प्राइवेट. इससे क्या रहेगा, इससे सिक्योरिटी इस विल बी मेंटेन. आगे चल के आप किसी और, मतलब इस क्लास से अगर फर्दर कोई और क्लास डिराइव होगी तो उसको ये बेस क्लास के डेटा मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं होंगे. इट विल बी ओनली, मतलब आपको अगर लिमिट करना है कि आपने वो एक चीज यूज कर दी है, वो सिर्फ और सिर्फ है, वो उसे आगे किसी और को फॉरवर्ड नहीं कर सकता है. देन यू हैव टू गो फॉर द प्राइवेट इनहेरिटेंस, ठीक है. प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इज लाइक आपने किसी को कोई चीज दी है, आपने अपने एक फ्रेंड को कुछ यूज करने के लिए दिया है, मे बी अ बुक, एंड यू हैव पुट अ कंडीशन कि आप दे सकते हो आगे किसी को बुक, लेकिन आप अपने फ्रेंड को ही दे सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दो. सो दैट इज प्रोटेक्टेड. यू आर वन ए विल गिव टू बी, बी विल गिव टू सी, और ए बी सी में क्या रिलेशन है, बी इज अ फ्रेंड टू ए, सी इज अ फ्रेंड टू बी, एंड सो ऑन. और पब्लिक इनहेरिटेंस में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने कोई चीज अपने कोई भी फ्रेंड को हैंड ओवर करी, वो किसी को भी दे सकता है, चाहे वो दूसरा पर्सन उसका फ्रेंड हो या नहीं हो, वो उसे जानता भी है या नहीं जानता है, यू कैन सिंपली गिव द थिंग्स टू एनी वन एल्स. तो सबसे लीस्ट सिक्योर्ड होता है पब्लिक इनहेरिटेंस में, एंड सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी इज देयर इन प्राइवेट इनहेरिटेंस. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. You can compare these three types. We have taken one example for each. Run these programs and see for yourself. Next class में हम जो हमने types पढ़ी थी inheritance की, five types of inheritance, उनके examples करेंगे. So we had learned these five types of inheritance: single inheritance, multiple inheritance, multi-level, hierarchical, and hybrid. So we'll be seeing one examples on each type of inheritance. So I'll just finish the class for today.